करता रास्ता, देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिसे लड़ी है वो बाज मेरे खड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ सोनल, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के खास शो खबर छोटे पर्दे में। टीवी के जाने माने रियलिटी शो इंडियन आइडल में एक बार फिर हुआ प्यार का इजहार। अरुणिता और पवनदीप के बाद कौन है ये नई जोड़ी, क्यों हो रही है इनकी चर्चा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मेरा ये वीडियो देखिए लास्ट तक। इंडियन आइडल 12 में इंडिया की फरमाइश पर खास एपिसोड रखा गया था, जिसमें इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट ने अपने फैंस के लिए उनका पसंदीदा गाना गाया। लेकिन वो फैंस कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की ही जानी मानी हस्तियां थी, जिसमें शबीर कुमार, राखी सावंत, डॉक्टर गौतम कंसाली और इनमें से एक वर्तिका झा भी थी। वर्तिका झा चाहती थी कि निहाल उनकी फरमाइश पर उनके लिए सलमान खान की मूवी मैंने प्यार किया का सॉन्ग मेरे रंग में रंगने वाली गाएं। लेकिन निहाल ने उनकी फरमाइश पूरी करने से पहले कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वर्तिका उनकी क्रश हैं और वो वर्तिका को बहुत पसंद करते हैं, जिसे सुनकर वर्तिका शर्माती हुई नजर आई। मेरी क्रश है ये। ओ, क्या बात कर रहे हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था। क्या करो हाय, कुछ कुछ होता है। जिसके बाद निहाल ने वर्तिका के लिए अपनी दमदार आवाज में गाना मेरे रंग में रंगने वाली गाया। मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी। निहाल की परफॉर्मेंस के बाद वर्तिका ने भी निहाल के गाए हुए गाने पर तारीफों के पुल बांध दिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते, जिससे गाने की शोभा और भी बढ़ गई। वहीं निहाल मौके पे चौका मारते हुए अपनी भी फरमाइश वर्तिका के सामने रखते हैं। निहाल वर्तिका को उनके मन पसंदीदा गाने पर डांस करने को कहते हैं, जिसके बाद वर्तिका और निहाल उनके पसंदीदा गाने पर साथ में डांस करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस से एपिसोड में चार चांद लग गए। पर बात यहीं नहीं रुकी, फैंस द्वारा भी उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। यहाँ मैं आपको बता दूं, वर्तिका एक कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने दो बड़े रियलिटी शोज इंडियाज बेस्ट डांसर और सुपर डांसर में एज अ कोरियोग्राफर काम किया है। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी क्या मोड़ लेती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट, और मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।